देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को संसद के सेंट्रल हॉल में भव्य विदाई दी गई। सोमवार को नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगी। महामहिम रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह में पीएम मोदी समेत सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति को विदाई पत्र स्मृति चिन्ह भेंट किया। अपने विदाई अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरकार की नीतियों की तारीफ की और कहा कि जन कल्याण की सरकार और विपक्ष का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। बड़ी बात यह रही कि राष्ट्रपति की विदाई में सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल कल खत्म हो रहा है और परसों यानी कि 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति के शपथ के साथ ही कोविंद राष्ट्रपति भवन छोड़ देंगे। आप ये जानने को उत्सुक होंगे कि आखिर रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन छोड़ने के बाद कहां रहने वाले हैं, तो देखिए हमारे संवाददाता प्रशांत की रिपोर्ट। संसद भवन में हुआ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह। भारत की जनता ने आप सबके माध्यम से मुझे राष्ट्रपति के रूप में चुनकर देश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं देशवासियों का सदैव आभारी रहूंगा। विदाई समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी परसों शपथ ग्रहण के साथ ही नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए राष्ट्रपति भवन तैयार रहेगा। इसके लिए 22 जुलाई को ही राष्ट्रपति कोविंद का सामान नए बंगले में शिफ्ट कर दिया गया है। इसी घर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहेंगे। ये घर मैं बता दूं 12 जनपद है, जनपद 12 नंबर बंगला जनपद का, और ये 3 दशकों तक केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान का बंगला रहा है। उनके मृत्यु के बाद उनके पुत्र चिराग पासवान ने यह बंगला खाली किया है। इसी बंगले के पड़ोस में सोनिया गांधी का भी सरकारी बंगला है। सोनिया गांधी 10 जनपद में रहती हैं। नया बंगला लुटियंस दिल्ली का सबसे बड़ा बंगला है। देखिए घर की तैयारी इस बंगले की साथ सज्जा लगभग पूरी हो गई है। इंतजार है कि कब राष्ट्रपति पद से हटने के बाद पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद इस बंगले में आए, अपने परिवार के साथ रहें, और इस बंगले की जो भी तैयारी है, साथ सज्जा है, वो पूरी कर ली गई है। टाइपेड बंगला है ये, और इसमें कोई भी जो राष्ट्रपति होता है वो टाइपेड बंगला के लिए अधिकृत होता है, एलिजिबल होता है, और उसी के तौर पर रामनाथ कोविंद को ये बंगला दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक खुद रामनाथ कोविंद भी अपने परिवार के साथ इस बंगले की मरम्मत का काम देख चुके हैं। ABP News आपको रखे आगे।